हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्लीव डिज़ाइन। स्लीव की कटिंग आप कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर स्लीव की कटिंग मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पर एक स्ट्रिप की कटिंग भी यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ। इसकी विड्थ मैंने ली है 3.5 इंच। आपने फोल्ड करना है और यहाँ से भी आपने फोल्ड करना है, और दोनों मतलब आपने तीन साइड से इसे फोल्ड करना है। इसका हम सेंटर निकालेंगे। सीधे पर आपने उल्टा रखना है स्ट्रिप को, और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए आपने स्ट्रिप को रखना है। यहाँ पर हमने 1 इंच के करीब कपड़े को लेना है, यानी स्ट्रिप को लेना है। ये इसका सेंटर का निशान हो गया। अब देखिए, यहाँ से आपने फोल्ड करना है और दूसरी साइड से फोल्ड करना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर डोरी ले लेंगे। डोरी की लेंथ मैंने ले ली है। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर का निशान लगाया था, उस पर आपने सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम डोरी लेंगे और इसे सेंटर में रखते हुए आपने यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। अब आपने एक साइड से डोरी को इस तरीके से निकालना है, और अब आपने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए, यानी डोरी के साथ साथ आप इसमें सिलाई लगाकर इसे रेडी करेंगे। डोरी को और कपड़े को आप सेट करते जाएंगे, और यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी डबल सिलाई लगाते हुए डोरी को अंदर की तरफ करते हुए आपने स्टिच करना है इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्टिच हो गई है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अब यहाँ पर हमने लटकन बनानी है। ये देखिए, सिलाई लगाकर इसे रेडी करेंगे और इसे फ्रेंड्स सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसकी शेप में हम इसे कट करेंगे। यहाँ पर ये स्लीव हमारी रेडी हो गई है। अब ये देखिए, यहाँ से आप इसको इस तरीके से खींचते हुए, ये देखिए खींचते हुए इसको आपने रेडी करना है। तो छोटा बड़ा साइज़ आप इसमें कर लेंगे, और ये स्लीव यहाँ पर गैदर्स आएंगे तो स्लीव पहनने में बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।